क्रेटोस एंड थॉर दो ऐसे कैरेक्टर हैं जो हमें काफी सिमिलर लगते हैं। थॉर हमारी फेवरेट एमसीयू का कैरेक्टर है और दूसरी तरफ क्रेटोस हमारी मोस्ट फेवरेट गेमिंग फ्रेंचाइज गॉड ऑफ वॉर का कैरेक्टर है। और अब ये दोनों तो सेम माइथोलॉजी से भी बिलोंग करते हैं और सेम टाइप का वेपन भी यूज करते हैं। लवाइदन एक्स वर्सेस स्टॉर्म ब्रेकर, इस पे मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ और वो इस वीडियो का पार्ट वन है। सो इस वीडियो को पहले आई बटन से या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके देख लें, फिर इस वीडियो को देखें। एंड फाइनली आज आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द fevergrasp.com। और आज हम कंपेयर करेंगे गॉड ऑफ वॉर वर्सेस गॉड ऑफ थंडर। क्रेटोस ज्यूस का बेटा है और इसकी वजह से उसके पास इनक्रेडिबल सुपर ह्यूमन फिजिकल पावर्स हैं और इसी वजह से उसने काफी बीस्ट और ग्रीक गॉड्स को भी मारा है और इसके पावर्स की अब तक कोई भी लिमिट नहीं डिटरमाइन हुई है। क्योंकि क्रेटोस जब भी किसी बड़े एनिमी से लड़ता है या फिर किसी गॉड से लड़ता है तो क्रेटोस उन्हें मारने के बाद उनकी पावर्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और इन्हीं एबिलिटीज की वजह से और क्रेटोस के सालों की कॉम्बैट एक्सपीरियंस की वजह से क्रेटोस ने मॉन्स्टर्स को, मैजिकल बींग्स, टाइटन्स एंड इवन गॉड्स को भी हराया है। और क्रेटोस अब तो नॉर्स माइथोलॉजी में आ चुका है और नॉर्स माइथोलॉजी के फिजिकली पावरफुल गॉड्स जैसे कि बाल्डर उसे भी हरा चुका है। थॉर ओडिन का सेकंड बॉर्न चाइल्ड है और थॉर थर्ड मोस्ट पावरफुल एस्गार्डियन है। और बिना अपनी फुल पावर्स के थॉर ने आसानी से हरा दिया था फ्रॉस्ट जायंट्स को और हंड्रेड्स ऑफ वॉरियर्स को भी। थॉर को पहले ये लगता था कि उसकी जितनी भी पावर्स हैं वो सब म्योलनर की वजह से हैं, लेकिन फ्यूचर में उसे पता चलता है कि ये सारी पावर्स उसकी अपनी हैं और म्योलनर तो बस एक टूल है जो थॉर की मदद करता है अपने पावर्स को फोकस करने के लिए जब तक थॉर अपनी पावर्स पर फोकस ना हो जाए। और अब रैग्नारोक के बाद से थॉर ने अपना सबसे पावरफुल फॉर्म एक्वायर कर लिया है। अब कंपैरिजन शुरू करते हैं इन दोनों की सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ से। सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ में हम बात करेंगे इन दोनों की अपनी खुद की पावर्स, यानी कि ऐसी पावर्स जो इन्हें बिना वेपन्स के मिली हैं। क्रेटोस बहुत ही इनक्रेडिबल सुपर ह्यूमन पावर्स पोजेस करता है। इसकी पावर्स सिचुएशन के हिसाब से फ्लक्चुएट होती रहती है। वैसे तो गॉड ऑफ वॉर 1 में क्रेटोस एल्रिक के सामने हार गया था, लेकिन फिर उसके बाद एरिस की मदद लेके उसने उसे भी हरा दिया था और फिर वहां से हुई थी क्रेटोस की खतरनाक जर्नी की शुरुआत। उसके बाद क्रेटोस ने काफी आसानी से बहुत ही पावरफुल बीस्ट एंड क्रिएचर्स को आराम से हरा दिया, जैसे कि इन्फेक्टेड ह्यूमंस, मॉन्स्टर्स एंड मैजिकल बींग्स को भी। क्रेटोस ने तो बस अपने हाथों से ही हीलियोस का सर धड़ से अलग कर दिया था। काफी बार क्रेटोस ने तो अपने से भी ज्यादा पावरफुल गॉड्स को ओवर पावर कर दिया है। इवन जब जायंट क्लोसेस उसे अपने पैरों से कुचल रहा था तब क्रेटोस ने उसे रोक के दूसरी तरफ फेंक दिया था। फिर जब गॉड ऑफ वॉर 3 में उसकी लड़ाई हुई हरकुलिस से, जो पावर्स और स्ट्रेंथ में क्रेटोस से काफी ज्यादा लगता है, उसको भी क्रेटोस ने हरा दिया। उसकी स्ट्रेंथ अनइफेक्टेड है उसकी बढ़ती एज से। वैसे तो नॉर्स माइथोलॉजी में आने के बाद उसकी एज काफी बढ़ गई है, लेकिन उसके बाद भी उसने काफी नॉर्स गॉड को मारा है और अपने से फिजिकली इक्वल और इवेंचुअली ओवर पावर गॉड जैसे कि बाल्डर को भी मार दिया था। अब बात करते हैं थॉर की सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ के बारे में। वैसे देखा जाए तो थॉर की भी पावर्स क्रेटोस से कुछ कम नहीं है। उसने फ्रॉस्ट जायंट्स को, चित्तौरीज को, डार्क एल्व्स एंड इवन एल्ट्रॉन सिट्रीज जैसे वेरियस स्पीशीज को काफी आसानी से हराया है। इसके पास इतनी पावर्स है कि वो भारी से भारी चीजों को काफी आसानी से हिला सकता है। इसने आयरन आर्मर को भी काफी आसानी से क्रश कर दिया था जैसे कि कोई सोडा कैन हो। और इतनी पावर्स के बाद उसे म्योलनिर या फिर स्टॉर्म ब्रेकर मिल जाए तो एक साथ वो हजारों एनिमी को हरा सकता है। वैसे तो म्योलनिर और स्टॉर्म ब्रेकर अपने आप में ही काफी पावरफुल हैं, लेकिन इसे यूज करने के लिए काफी स्ट्रेंथ चाहिए होती हैं। जैसे कि इन्फिनिटी वॉर में थॉर ने स्टॉर्म ब्रेकर को काफी फोर्स से फेंका था कि वो सीधे जाके थैनोस के सीने पे लगा। और थॉर के बाकी पावर्स का अंदाजा हमें हुआ था इन्फिनिटी वॉर में, उस सीन में जब उसने रॉकेट की स्पेसशिप को स्विंग किया और उसे तब तक पकड़ के रखा जब तक स्टार में दोबारा मूवमेंट नहीं आ गई। अब इन सबसे पता चलता है कि थॉर की और क्रेटोस की सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ बिल्कुल ही बराबर हैं। सो ये तो हो गई इन दोनों की खुद की पावर्स की बात जो ऑलमोस्ट बराबर हैं। अब बात करते हैं इन दोनों के वेपन्स के बारे में। सो क्रेटोस के पास है लवाइदन एक्स और थॉर के पास है स्टॉर्म ब्रेकर। और इन दोनों वेपन्स का कंपैरिजन मैं इस वीडियो के पार्ट वन में कर चुका हूँ, लेकिन उसका रिजल्ट इस वीडियो में है। सो उस वीडियो में हमने जाना था कि लवाइदन एक्स के पास बहुत ही ज्यादा स्किल्स हैं और लवाइदन एक्स की एक और अच्छी बात है कि वो अपग्रेड होता रहता है। सो ये बात तो पक्की है लवाइदन एक्स ज्यादा पावरफुल है स्टॉर्म ब्रेकर से और थॉर के पास यही एकलौता वेपन है। और क्रेटोस की बात करें तो क्रेटोस ने अब तक सैकड़ों वेपन्स यूज किए हैं, लेकिन हम अभी सिर्फ करंट सिचुएशन की बात कर रहे हैं। और प्रेजेंटली क्रेटोस के पास गॉड ऑफ वॉर 4 में सिर्फ लवाइदन एक्स और ब्लेड ऑफ क्योस है और इन सब के साथ उसके पास एक गार्डियन शील्ड है और बैकअप में एट्रियस भी तैयार बैठा है टैलोन बो के साथ। सो वेपन्स के मामले में क्रेटोस डोमिनेट कर रहा है। अब बात करते हैं एक और ऐसी पावर की जो क्रेटोस के पास है, स्पार्टन रेज। ये क्रेटोस की सबसे पावरफुल फॉर्म है।
क्रेटोस के पास एक रेज मीटर है जो जब फुल हो जाए तो क्रेटोस फाइट के बीच में कभी भी अपना स्पार्टन रेज ऑन कर सकता है। इसे ऑन करने के बाद क्रेटोस की स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, रिफ्लेक्सेस सब कुछ मैक्सिमम हो जाती है। और इस मोड में क्रेटोस कोई भी वेपन नहीं यूज करता है, वो सारे डेंजरस अटैक अपने हाथों से ही करता है। इस मोड को ऑन करने के बाद एनिमी को भी डबल डैमेज होता है, और जब कोई एनिमी क्रेटोस को मारता है तो उसकी हेल्थ भी डिक्रीज नहीं होती है बल्कि स्पार्टन रेज मीटर का कुछ पोर्शन डिक्रीज होता है। और जैसे जैसे क्रेटोस एनिमी पे डैमेज डिलीवर करता है क्रेटोस की हेल्थ भी इंक्रीज होती रहती है हर डैमेज पे। क्रेटोस जैसे ही स्पार्टन रेज ऑन करता है पहले तो उसके अंदर फायर आ जाती है, फिर उसके मसल्स एनलार्ज एंड पावरफुल हो जाते हैं और उसकी आंखें येलोइश ग्लो करती हैं। फिर क्रेटोस इतना पावरफुल हो जाता है कि वो अपने एनिमी को एक पंच मार के हवा में उड़ा सकता है। और स्पार्टन रेज में क्रेटोस हैमर पंचेस भी मारता है जिससे डैमेजिंग शॉक वेव्स जनरेट होती हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली हमारे थॉर के पास एमसीयू में कोई भी ऐसी पावर नहीं है, सो क्रेटोस यहां पे भी आगे है। अब इसके बाद थॉर एंड क्रेटोस के पास काफी ऐसी पावर्स हैं जो बिल्कुल ही सिमिलर हैं, जैसे कि सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, सुपर ह्यूमन स्टैमिना एंड इमोर्टैलिटी। सो इन सबको स्किप करते हुए क्रेटोस के पास एक और ऐसी पावर है जो थॉर के पास नहीं है, पावर एब्जॉर्प्शन। क्रेटोस के थ्रू आउट लाइफ में इसने वेरियस सोर्सेज से पावर को एब्जॉर्ब किया है, एंड क्रेटोस ने जो सबसे ग्रेटेस्ट पावर एब्जॉर्ब किया है वो है पावर ऑफ होप एंड पावर ऑफ गॉड जो इसे पैंडोरास बॉक्स से मिली थी। पावर ऑफ होप क्रेटोस ने अपने अंदर से सुसाइड के टाइम पे रिलीज कर दिया था, लेकिन अभी भी उसका कुछ पार्ट क्रेटोस के अंदर है। और पावर ऑफ एब्जॉर्प्शन की मदद से क्रेटोस जिन भी गॉड्स या क्रिएचर्स को मारता है उनके अंदर का ग्रेटेस्ट फीचर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो क्रेटोस यहाँ पे भी आगे है, सो कांग्रेचुलेशंस फॉर क्रेटोस फैन, बिकॉज इस बैटल में जीत क्रेटोस की हो रही है। पावर एब्जॉर्प्शन एंड स्पार्टन रेज की वजह से क्रेटोस थॉर से दो कदम आगे है। सो एमसीयू के थॉर से तो अपना विनर क्रेटोस है, लेकिन अगर कॉमिक्स के थॉर की बात करें तो बात कुछ और होगी, लेकिन इसके बारे में फिर कभी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, नीचे अपने ओपिनियन कमेंट करें कि आपके हिसाब से कौन विनर है। शेयर करें इस वीडियो को अपने मूवी एंड गेमिंग बड़ी के साथ और सपोर्ट करें फीवर ग्रास्ट को सब्सक्राइब करके।